बैंक अकाउंट जो लिंक करते हैं ना सर अपना फोन पे में, उस हाँ अकाउंट में उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ पे को टच कीजिए, सेंड को टच कीजिए और अपना यूपीआई पिन डालिए सर, उसके बाद फिर अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए। दोस्तों इंडिया में आगे बहुत सारा डिजिटल पेमेंट ऐप और उसके साथ साथ इंडिया में साइबर सेल भी है, साइबर क्राइम भी है, सब कुछ है, इसका एक सेल भी है। लेकिन इंडियन जो साइबर सेल है ना, कुछ काम ठीक ठाक से नहीं करते और इसका कानून भी उतना सख्त नहीं है। इसीलिए बहुत सारा स्कैमर्स फोन पे ATM ये सारे ऐप में छह गए और आपको कस्टमर को फोन करके रोज रोज नया नया स्कैम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कस्टमर सपोर्ट या KYC वेरीफाइड के नाम पे ATM पे स्कैम हुआ, फिर इसके कुछ दिन बाद गूगल पे में भी स्कैम हुआ और अभी नया नया तरीका आ गया है आपको लूटने का फोन पे में। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा और स्कैमर फोन करके आपको क्या क्या बोलेंगे, उसका लाइव प्रूफ, आपको किस नंबर से फोन आ सकता है और क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, कैसा पेमेंट का नोटिफिकेशन आपको आएंगे उसको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के साथ पूरा अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो भाई ऐसा वीडियो बनाने का मूड नहीं रहता है, हर रोज नया नया स्कैम हो रहा है, लेकिन क्या करो, स्कैम हो रहा है तो आपको बताना मेरा फर्ज है। तो ऐसे एक स्कैम हो रहा है अभी फोन पे में, आपको किसी और नंबर से फोन आएंगे, जिस नंबर से फोन आया था उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा या फिर जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे भी रहेंगे, तो आप चेक कर लीजिए उसका नंबर क्या था। उसके नंबर से फोन करके आपको बोल रहा है कि भाई आपको कैशबैक मिला है, तो आप ऐप ओपन कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आया है। किसी भी कैशबैक हो किसी भी ऐप का एक रूल मैं आपको बताना जाना चाहता हूँ, अगर आप यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं तो आपको बोल देता हूँ दैट Amazon हो, फोनपे हो, किसी भी ऐप हो, उसमें मिनी KYC होने के बाद आपको कोई भी अमाउंट कैशबैक मिलता है, यू कैन नॉट विदड्रॉ इट टू योर बैंक अकाउंट। ये बात आप ध्यान पर रखें, चाहे किसी ने फोन पे कुछ भी बोलो कि इसको बैंक को जाएंगे, पैसा वॉलेट से बैंक कहीं नहीं जा सकते, पैसा वॉलेट को वॉलेट नहीं रहना है। और फोन पे का बात है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिससे आप पैसे को कैन विदड्रॉ टू योर बैंक अकाउंट, दैट इज योर गोल्ड। इफ यू परचेज गोल्ड फ्रॉम फोन पे ऐप देन ओनली यू कैन सेल गोल्ड एंड यू कैन विदड्रॉ मनी टू योर बैंक अकाउंट। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है फोन पे से पैसा मिलने का बैंक अकाउंट पे। तो इसमें क्या कर रहा है, बोल रहा है कि नोटिफिकेशन आएंगे, फोन करके फोन नंबर पूछ रहा है या फोन नंबर है भी है, तो क्या कर रहा है, एक बात आपको पता होना चाहिए कि UPI ID नॉर्मली फोन नंबर है, उसके बाद @YBL @PayTM @APM ऐसा जो ऐप है उसका सब हेडिंग लास्ट में रहता है, लेकिन मेन ID आपका मोबाइल नंबर ही होता है। तो इसका मोबाइल नंबर पर फोन कर रहा, फोन करने के बाद आपको ऑन द कॉल बोल रहा है कि आपको कैशबैक मिला है, नोटिफिकेशन गया है। आप उस नोटिफिकेशन पर अगर क्लिक करेंगे तो देखेंगे किसी और जगह से आपके पास एक पेमेंट का रिक्वेस्ट है, UPI के पेंडिंग पेमेंट। जैसे कि आप किसी ऐप में अगर पे करते हैं UPI ID से, तो आपको मेन जो UPI रजिस्टर्ड है जिस ऐप में उसके नोटिफिकेशन आता है, उसमें जाके पिन देखे आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसमें यही हो रहा है। आप जो फोन पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना सर, हाँ। आपको उसमें सर 2,220 रुपए का एक रिवार्ड मिला हुआ है सर, हाँ। आपने अभी तक वो कलेक्ट नहीं किया हुआ है? नहीं, नहीं। क्या बोले, नहीं किया? हाँ, तो आप एक बार फोन पे को ओपन करके चेक कीजिए ना सर, कोई नोटिफिकेशन आया है आपको? अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ लाइन पे, मैं चेक कर ले रहा हूँ, आप देखिए नोटिफिकेशन पहले। आप फोन पे को अगेन से एक बार ओपन करके चेक कीजिए सर, कोई नोटिफिकेशन मिला होगा अभी आपको 2,220 रुपए का। हेलो सर, हाँ, कोई नोटिफिकेशन आया है? हाँ, लेकिन उसमें तो पे शो कर रहा है। हाँ, पे शो कर रहा है सर, पे करके आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है सर। अब जो फोन पे में अपना अकाउंट लिंक करते हैं ना, बैंक अकाउंट जो लिंक करते हैं ना सर अपना फोन पे में, उस अकाउंट में उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पे को टच कीजिए, सेंड को टच कीजिए और अपना UPI पिन डालिए सर, उसके बाद फिर अपना बैंक बैलेंस चेक कीजिए। इसमें तो मेरा मनी चला जाएगा ना? अभी आप चेक कीजिए प्रोसेस करके सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगी। अच्छा, हेलो, हाँ, पिन नंबर मांग रहा है। हाँ, अपना UPI पिन डालिए, UPI पिन जो होता है 4 डिजिट या 6 डिजिट का, उसको डालिए। हाँ डाल दिया, चेक कीजिए सर, डालिए ना, प्रोसेस नहीं किए हैं, कर दिया हूँ मैं यहाँ से। डाल के वहाँ साइन में टच किए हैं, सिंबल बना हुआ साइन का, उसको टच कीजिए। हाँ वही, मनी भी डिडक्ट हो गया है। कुछ हुआ ही नहीं है सर, आपका प्रोसेस ही नहीं हुआ है। लेकिन मेरे यहाँ पे प्रोसेसिंग शो कर रहा है। तो क्या लिखा प्रोसेसिंग में, क्या लिख रहा है अभी? पेंडिंग शो कर रहा है। पेंडिंग शो कर रहा है? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है सर। ऐसे ही हुआ है मेरे साथ।
ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। इस नंबर पे? हाँ। अच्छा, मेरा नेट पे अभी नेट नहीं काम कर, कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फिर नेट काम करेगा। बिना नेट काम किए सर प्रोसेस कैसे कर दिए 2220 को? हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए। आपने जो बोला कि मैंने पे कर दिया सर, अगर डाटा नहीं चल रही होती तो आपका पेमेंट कैसे हो गया? आप भी तो फेक बोल रहे हैं ना। फेक तो सर आप बोल रहे हैं ना। फेक तो आप भी बोल रहे हैं ना। क्या फेक बोल रहे हैं सर हम? ये जो फोन पे कस्टमर कैसे बोल रहा है। हाँ ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ सर? आपसे कोई डिटेल मांगा गया? नहीं ना। डिटेल नहीं, आप लोग तो ऐसे धंधा कर रहे हैं ना। क्या सर अभी अजीब वाली बात कर रहे हैं? हाँ अब तो हम अजीब वाली बात करेंगे। और इसमें बहुत चालाकी से कर रहा है स्कैमर्स कि इसमें खुद का अकाउंट पे पैसा नहीं लगा, इसको इस्तेमाल कर रहा है क्रेडिट कार्ड। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी शॉपिंग किए हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपके यू पी आई आई डी से कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है क्योंकि आपका एड्रेस लाएंगे कि सामान को आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसको हाइड करने के लिए क्रेडिट कार्ड से पहले पेमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट हो रहा है उस बिल को पेमेंट करने के लिए किसी को फोन कर रहा है, फोन करके बोल रहा है कि कैशबैक मिला है। यहाँ पे फोन करके बोल रहा था 2220 यानी कि 2220 ऐसे अमाउंट बोला कि इतना अमाउंट का आपके पास कैशबैक मिला है, आपको उसको बैंक को ट्रांसफर करने के लिए नोटिफिकेशन है क्लिक कीजिए, वहीं यू क्लिक द नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको पिन मांगेंगे, मतलब इसका साफ साफ है एक ट्रांजेक्शन होने वाला है, आपके अकाउंट से बैंक का पैसा कट जाएंगे। तो यही है इसका बात, आपको बैंक से पैसा काट के उसका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो जाएंगे और आप डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी को पैसा नहीं भेजा है, ना कि एक कंपनी या फिर बिल पेमेंट भारत पे कुछ भी हो ऐसा जो पेमेंट एक्सेप्टर है क्रेडिट कार्ड का उसके पास पैसा जा रहा है एज ए क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, यू कैन नॉट डिस्प्यूट बिकॉज ये तो बिल पेमेंट हो गया और किसी को पास पैसा नहीं गया। इसके बाद एक ही मतलब बनता है कि आप खुद उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है। सो दिस इज अ वेरी वेरी मच क्रिटिकल एंड कम्प्लेक्स स्कैम दैट किसी को अगर पकड़ भी लेंगे ना उसको जेल नहीं हो सकता क्योंकि इतना छाती है ये लोग। तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए और ऐसे ऐसे फ़ोन कॉल को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि अगर साइबर सेल में जाके बोलेंगे कंप्लेन करें वो लोग कुछ भी नहीं है, वो लोग आपको एक ही बात बोलेंगे आप चुपचाप रहिए, आप इसको इग्नोर कीजिए, आप इसको ब्लॉक कीजिए, लेकिन वो खुद जाकर कुछ नहीं करेंगे जब तक किसी बहुत बड़े आदमी का बहुत बड़ा अमाउंट सब कुछ नहीं होगा। ये तो आम आदमी है या आम आदमी को ही टारगेट कर रहा है, किसी के पास 1,000 किसी के पास 2,000 किसी के पास 3,000 ऐसे ऐसे छोटे छोटे अमाउंट करके अगर 10 आदमी भी होगा ना 30,000 होगा, लेकिन एक बार में ये लोग 30,000 किसी के पास से भी नहीं इकट्ठा करेंगे। इसीलिए ये लोग साइबर सेल भी कुछ नहीं कर रहा है और ये लोग अपने ही मजा ले रहे हैं स्कैम करके। अगर हर आजकल तो अनलिमिटेड कॉल है तो हर रोज अगर 100 भी कॉल कर लेंगे अगर एक दो भी मिल गया ना घर बैठे बैठे 5-10,000 रुपये इनकम कर रहा है, इनकम नहीं लूट रहा है। So you must be safe and must share this video और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसी हरकतें आपके साथ भी हुआ है कि नहीं और आपको किस नंबर से फ़ोन आया था, क्या हुआ था, मुझे साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के साथ मिलता है और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सब्सक्राइब टू समथिंग एंड स्टे सेफ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्कैमर्स। और मुझे पता नहीं ये स्कैमर फ्रीलांसर है या कोई गैंग चला रहा है लेकिन है तो स्कैमर्स।